जो भी बहुजन विकास आघाड़ी पे प्यार करते हैं वो सभी फॉर्म भरने के लिए 3 तारीख को आ जाएंगे। पालघर जिले की सबसे बड़ी पार्टी ये बहुजन विकास आघाड़ी है। कांग्रेस हो, वो राष्ट्रवादी हो, वो शिवसेना हो, वो बीजेपी हो या और कोई पार्टी, सभी पार्टियों को हमारे पार्टी ने कभी ना कभी मदद की है। तो अभी उनमें कुछ वो सोचेंगे कैंडिडेट के बारे में और हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करके और अपना कैंडिडेट पीछे लेके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी इधर से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, मैं राह देखता हूँ, आया तो थैंक यू, नहीं तो हम अपने हिसाब से लड़ने वाले हैं। 2009 में पहला MP जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का बना वो हमारे पार्टी से बलिराम जाधव जी हमारे जो MP बने थे वो यहाँ से बने थे, वापस बनाएंगे। पूनी हो, चौकोनी हो, जो भी हो, हमारे वोट फिक्स है, हमारे वोट कहीं पे बट्टे नहीं। पालघर लोकसभा चुनाव में चूंकि उम्मीदवार घोषित हो चुका है बहुजन विकास आघाड़ी का, लगातार प्रचार भी कर रहा है, राजेश पाटिल के रूप में मैदान पर उतर चुके हैं, लेकिन अब 3 तारीख को दोनों ही दल महायुति और बहुजन विकास आघाड़ी एक ही दिन नामांकन करने का तारीख तय हुआ है। एक के पास उम्मीदवार है तो दूसरे के पास उम्मीदवार का कुछ पता नहीं। इसी विषय पर बातचीत करते हैं बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख नितिन ठाकुर जी से और जानते हैं कि उस दिन का क्या कुछ स्ट्रेटजी है। 3 तारीख को नामांकन के लिए पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन होगा, कैसा होगा, क्या तैयारियां हैं और कैसे जाएंगे 3 तारीख को, कितनी ज़्यादा तादाद में लोग पहुंचेंगे? नहीं, जो भी बहुजन विकास आघाड़ी पे प्यार करते हैं वो सभी फॉर्म भरने के लिए 3 तारीख को आ जाएंगे। अभी जो वो अपने अपने हिसाब से आएंगे, किसी शक्ति प्रदर्शन माने उस दिन? शक्ति प्रदर्शन ऐसा नहीं है, जो प्यार करने वाले हैं वो आएंगे लाखों की संख्या में। कहीं पे किसी भी इसकी रैली नहीं निकलती फॉर्म भरने की, लेकिन संख्या अच्छी रहेगी। अच्छा, अब 3 तारीख को ही, चूंकि उनका उम्मीदवार घोषित नहीं है, महायुति के उम्मीदवार पर सबकी नजर है लेकिन उनका उम्मीदवार घोषित नहीं, लगातार आपने कहा है कि अपनी ताकत ना जाया किया करें और आप लोग हमें समर्थन करें, उम्मीदवार घोषित नहीं है और 3 ही तारीख को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि सभी लोग पहुंचिए पालघर कलेक्टर ऑफिस, तो ये क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और या वही होगा जो आप लगातार कह रहे हैं? मैंने ये कहा है कि नेचुरली पालघर जिले की सबसे बड़ी पार्टी ये बहुजन विकास आघाड़ी है। 3 सिटिंग MLA, जिला परिषद में सभापति है, कॉरपोरेशन में 115 में से 109 नगर सेवक थे, सरपंच, ग्राम पंचायत मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये मेंबर हमारी तादाद सबसे बड़ी है, कोई भी अन्य पार्टी से हमारी संख्या बड़ी है। तो आप को हमने सभी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो राष्ट्रवादी हो, वो शिवसेना हो, वो बीजेपी हो या और कोई पार्टी, सभी पार्टियों को हमारे पार्टी ने कभी ना कभी मदद की है। तो अभी मेरी इच्छा है कि आप सभी लोगों ने बड़प्पन दिखाए और इस वक्त बहुजन विकास पार्टी जो नेचुरली बड़ी पार्टी है यहाँ पे, आप सभी लोग आपका समर्थन हमें दो, हम आपके आभारी रहेंगे। इस पर कोई चर्चा हुई, कोई बातचीत, कोई बड़े नेता को फोन, कुछ? अभी वो सब भी बड़े पार्टी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, सेना है, बीजेपी है, हाँ, देश पे, राज्य पे रूल करने वाली ये पार्टी है, उनकी इधर से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, मैं राह देखता हूँ, आया तो थैंक यू, नहीं तो हम अपने हिसाब से लड़ने वाले हैं। अगर महायुति का उम्मीदवार उतरता है मैदान पे तो क्या लगता नहीं है वो जो लगातार आपने उनके साथ प्रदेश में और चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्यसभा चुनाव हो उसमें हो, चाहे प्रदेश स्तर पर सरकार बनाने की बात हो, सदैव आप खड़े रहे हैं, लेकिन अगर उम्मीदवार के रूप में वो अपना घोषित करे तो लगता नहीं कि एक मित्र धर्म राज्य में जिस तरह से लगातार समर्थन रहा है तो कहीं ना कहीं तोड़ देंगे? देखो, हर एक पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। मैंने पहले ही बोला कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, बीजेपी सभी को मैंने मदद की है तो अपेक्षा करूंगा, मतलब उसमें कोई जोर जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती, उनकी इच्छा। अगर अपेक्षा नहीं पूरी करी तो भी लड़ाई ठीक से लड़ने वाले तो आइए हम,
हमारा यहाँ से 2009 में पहला एमपी जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का बना वो हमारे पार्टी से बलिराम जाधव जी हमारे जो एमपी बने थे वो यहाँ से बने थे, वापस बनाएंगे। इस बार कितने चांसेस, चलिए त्रिकोणीय लड़ाई मान लिया होती भी है, हालांकि चांसेस बहुत कम और इसमें 3 तारीख को क्या होता है वो नजर आएगा, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो कैसी तैयारी है आपकी अभी की स्थिति के अनुसार? त्रिकोणी हो चौकोनी हो जो भी हो हमारे वोट फिक्स है, हमारे वोट कहीं पे बट्टे नहीं। कॉन्स्टेंटली देखेंगे तो हर इलेक्शन में हमारे वोट फिक्स है, वही वोट हमें मिले तो बंटवारा तो सामने होने वाला है, हमारे में नहीं होने वाला। जिस तरह से कहा जा रहा है पालघर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपकी पार्टी बड़ी है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बड़ी पार्टी है, 3 आमदार आपके हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद सभापति हैं, क्या लगता है अन्य पार्टियों के लिए क्या सीख देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह का माहौल है उसमें? देखिए कि अन्य पार्टियों को, सभी पार्टियों को, विधान परिषद रहे, राज्यसभा रहे, सबको सहयोग किया है, तो अब उम्मीद रखते हैं कि विड्रॉल के दिन तक शायद उनमें कुछ वो सोचेंगे कैंडिडेट के बारे में और हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करके अपना कैंडिडेट, शिवसेना हो, उबाटा हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, अपना कैंडिडेट पीछे लेके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको सलाह दे रहे? सलाह नहीं, हो सकता है ऐसे, क्योंकि माहौल देख के कि पालघर में अगर माहौल देखेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी का उम्मीदवार 100% चुन के आने वाला है, तो अगर हमारा सहयोग है आपके लिए तो आपको भी हमें सहयोग करना चाहिए और हो सकता है कि 1-to-1 होने के लिए हमें कोई ना कोई इसमें से विड्रॉ होकर हमें सपोर्ट करेगा। कोई आपसे बातचीत, इसमें कोई संदेह आपको? नहीं, हमने तो सबको आह्वान किया था क्योंकि हमने आपको हर बार सपोर्ट किया है, तो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, सबको हमने सपोर्ट किया है और वो सपोर्ट के ऊपर उनके एमएलए भी चुन के आए हैं, तो शायद लास्ट के दिन विड्रॉ करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।